नमन भाई, मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। What? Oh my God! तुम्हें किसने बताया? मामा की कॉल आई थी हॉस्पिटल से। अच्छा अच्छा, तुम फिकर मत करो, मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? वो अंगूठी? हाँ, जो तुम्हें कोकनी बाई ने दी थी, कहाँ है वो? कोकनी बाई? अभी धूप बहुत है चला बेटा, शाम को निकलेंगे। शाम को तो फिर अभी यहाँ क्या करें? लूडो खेलें? नो, सो बोरिंग गेम। क्यों ना क्रिकेट खेली जाए? वाओ, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। बेस्ट आइडिया है, क्रिकेट खेलते हैं। तो फिर डन हो गया, अभी हम लोग क्रिकेट खेलेंगे और शाम में बाहर जाएंगे। चलो सीमा। आप लोग जाइए, मैं नहीं जा रही। क्या हो गया सीमा, आप तो एंजॉय कर लो। आप लोग खेलें, मैं अम्मी अब्बू के साथ बैठ जाती हूँ। ये लोग यहाँ थोड़ी बैठेंगे, आंटी कीपर बनेंगी और अंकल बॉलिंग कराएंगे। नहीं 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 बेटा, हमारी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ है कि आपके साथ क्रिकेट खेल सके। आप बैठ गए ना, काफी देर से थक गए होंगे। नहीं, ठीक है, आज काफी देर हो गई चाचा को। जी बस आते ही होंगे। चाचा आ गए। आ गए भाई चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत तो है? तुम कल भी आए, बहुत देर इंतजार करते रहे। जी सब खैरियत है। माजरत बेटा, मैं अपने जख्मों की टीसों से, दर्द से बहुत परेशान हूं, इस वजह से ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। तो आप इसका इलाज क्यों नहीं कराते चाचा? ये कोई मामूली जख्म नहीं है, शैतानी ताकतों का वार। बहुत इलाज कराया, बेबस हो गया हूँ। शैतानी ताकत? हाँ बेटा, जाओ कुछ खाने का लेकर आओ। जी जी चाचा। बस बेटा, क्या बताऊं, क्या बात, तू परेशान। आप समनपुर में कितना अरसा रहे? सारी जवानी गुजर गई समनपुर में मेरी बेटा। चाचा, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भरोसा है उस पर बेटा? जी, मुझे आपकी शख्सियत में कोई राज दिखाई देता है। मेरा नाम नुमान है, मैं आज से कोई 19-20 साल पहले अपने गांव समनपुर गया था।
वहां जाके मुझे एक पहाड़ी लड़की गुलबानो से प्यार हो गया। तो वो तुम हो जो उस बेचारी को रोता तड़पता सिसकता तन्हा छोड़ गया था। मैं जानता हूं वो मर चुकी है, लेकिन उसकी मौत हुई कैसे? उसने खुदकुशी तो नहीं की, वो इतनी बुजदिल नहीं थी। मेरे यहां चले आने के बाद मुझे खबर आई कि गुलबानो मर गई, पर मैं ये नहीं जानता कैसे मरी हो बेचारी। और आपका इस तरह यूं यहां चले आना मेरी समझ में नहीं आया। क्या करोगे तुम जानकर वो बेचारी कैसे मरी? कोई तो वजह होगी चचा। शैतानी ताकतों की बेजा सख्तियां और उनके अहकाम जैसे मैं उनका होता हूं, फिर भी सब कुछ चमकता रहा। मगर मगर क्या? उस रात मैं बीमार था और मौसम भी खराब था, एक तूफानी रात थी और नहीं मालूम। और वो औरत कौन थी? मुझे नहीं मालूम, मैंने खुद उसे पहली बार देखा था। और वहां सुनाई देने वाली चीखें वो किस औरत की थी? देखो बेटा, ये मुझे नहीं मालूम, जितनी मुझ पे बीती मैंने तुम्हें बता दिया और मैं उसी सुबह वहां से भाग निकला था। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो अधूरा रह गया। क्या हुआ, किसी का फोन नहीं लग रहा? पिछले एक घंटे से ट्राई कर रही हूँ, नमान भाई का नंबर बन जा रहा है और कोकनी भाई भी फोन नहीं उठा रही हैं। वो शैतानी ताकत और वो उनकी बेजा सख्तियाँ, वो मुझे ऐसे हुक्म कर रहे हैं जैसे मैं उनका गुलाम। एक रात तो उन्होंने हद ही कर दी। ये कोकनी और ये अंगूठी का क्या सिलसिला है? याद करो उस दिन जब हम लोग रूम में थे और मन्नत के हाथ से अंगूठी गायब हुई थी, उस दिन मैं कितना डर गई थी। हाँ, और फिर उसके फौरन बाद आप सुबह चली गई थी। हाँ, लेकिन शैला खाला, वो जो आपने वॉशरूम में कबूतर देखा था उसका क्या? उसने, मुझे नहीं पता, शायद कबूतर ने वहाँ पे ये घास फूस रखे, क्या किया मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। लाल मन
उस रात मुझे बुखार भी था और बूंदा बांदी भी हो रही थी। अभी मैंने अपना टांगा लाकर बांधा ही था, वो लाल माई का खबीस कुबड़ा मुझे आकर कहने लगा कि आपको लाल माई ने बुलाया है, मरता क्या ना करता, जिंदा रहने की ख्वाहिश मेरे अंदर भी पैदा हो गई थी। मैं मजबूर था, मैं उसे टांगे में बैठा कर चल पड़ा। अंधेरी गुप रात और तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी। टांगे में लटकती लालटेन और वो ऊंची नीची पहाड़ियां, लालटेन बुरी तरह हिल रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी आखिरी रात है। उसने एक उजाड़ मुकाम से अपने साथ एक औरत को लिया और मैं उन दोनों को लेकर पहाड़ की चोटी पर एक कुटिया पर गया, जहां पर एक औरत की बुरी तरीके से चीखने और रोने की आवाज आ रही थी। मुझे तो बहुत खौफ था ही, मेरे घोड़े भी खौफ ज्यादा थे और वो आगे चलने को तैयार न थे। मैं टांगे से उतरा और घोड़े की लगाम पकड़ के उसे खींचने लगा, पर घोड़े ने भी अपना रुख बदल लिया। मुझे तो आज भी यकीन नहीं आता कि मैं वहां से कैसे जिंदा वापस आ गया। हेलो नुमान भाई, मैं कब से आपको फोन मिला रही हूँ, आप कहाँ थे, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे आप? हाँ वो मैं थोड़ा बिजी था, तुम खैर तो है, तुम बताओ। नुमान भाई, जो जो कोकनी भाई ने मन्नत को अंगूठी दी थी वो उसने गुम कर दी है। व्हाट, कैसे, कहाँ, मत यार ऐसा क्या। नुमान भाई, कोकनी भाई का भी नंबर बन जा रहा है। अच्छा तुम एक काम करो, मन्नत को अपने पास रखना, ठीक है, उसको अपने से दूर मत करना, मैं देखता हूँ कोकनी को। ओके बाय। अंगूठी देखा तूने? यहां कड़ा क्या कर रहा है, जा जाके मन्नत का दिल बेला, पूरा बात सुन के जा, जान से मार डालूंगी तुझे। उसका मन्नत का अंगूठी गुम गया है, ये पागल पूरा बात नहीं सुनता, कहां ढूंढेगा अब उसका अंगूठी। शुक्र है आपको मेरा ख्याल तो है। अरे कमाल करती हो, मैंने हमेशा सारी जिंदगी आपका ही ख्याल किया बेगम साहिबा, अब हुआ क्या है, इतनी परेशानी किस बात की है? बस परेशान हूँ सर आज। तो पता तो चले आखिर मसला है क्या। बैठो बैठो। वो किरण का फोन आया था। अच्छा, तो कह रही थी कि सीमा की तबीयत बहुत खराब है। अरे बेगम कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें पता है कि उसका ये रूटीन मैटर है, कभी बीमार हो जाती है कभी ठीक हो जाती है। सर आज आप समझ क्यों नहीं रही, मैं माँ हूँ ना, परेशान हो गई,
मेरी बच्ची ठीक नहीं है। वाह जी वाह, यानी कि सिर्फ वो आप ही की बेटी है, मेरी बेटी तो है नहीं। तो मुझे दुख नहीं होगा, मुझे परेशानी नहीं होगी। अरे बाबा, वो मेरी भी बेटी है, मैं जानता हूँ कि जैसे मैंने पहले तुम्हें कहा ना कि रूटीन मेंटेनेंस है उसके लिए, और वो तो खामखा परेशान हो जाते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा सब। वो सराज, मैं चाह रही थी कि देखो ना मैडम, अब उसकी शादी हो चुकी है। अब वैसे भी हमें मतलब उसके घर में ज़्यादा अमल दखल नहीं करना चाहिए, और वैसे भी मेरा दोस्त है वो, अगर मैं उसके घर में इस तरह इंटरफेरेंस करूँगा तो मेरे दोस्त को भी अच्छा नहीं लगेगा ना, वो भी कहेगा जी कि ये क्या मसाइल है। इंटरफेरेंस की तो बात नहीं है, बस बच्ची की तबीयत पूछने जाना था और क्या। अरे बस मैंने कह दिया ना, कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा परेशान ना हो। और मेरी बात सुनो, आज इस घर में मैं सबसे एक उल्टा काम करूँगा, और वो काम ये है कि अभी तक मुझे तो पानी मिला नहीं, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ना हो, उदास ना हो, मैं ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा, ठीक है। बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। थोड़ा सा खाने से कैसी नाराजगी है। नाराजगी तो मेरी किसी से भी नहीं है बेटा, जिंदगी से भी कोई नाराजगी नहीं है, अब मिले या ना मिले। कौन है आप? मेरा मुझे पता है बेटा, सराज थे ना तो कोई चीज मुश्किल नहीं लगती थी, अब हर चीज मुश्किल लगती है। उन्होंने सब कुछ संभाला हुआ था, मुझे पता ही नहीं चलता था कब कौन सा काम हो जाता। अब पता चला सबसे मुश्किल चीज जिंदगी, बहुत मुश्किल है बेटा। बस मेरी दुआ है तुम्हारे हाथ भी लेकर दूं जल्दी से अपनी जिंदगी में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा खाना खा ले प्लीज मेरे लिए। बिल्कुल थोड़ा सा बस। बस मेरा बच्चा, तुम ही मेरा सहारा हो बेटा। मन्नत कहाँ है? मन्नत यही तो फील्डिंग कर रही थी हमारे साथ। यही थी मतलब? तुम्हें कितनी बार बोला था कि मन्नत का ख्याल रखना, तुमने उसकी अंगूठी गुम हो गई है। सॉरी। सॉरी का क्या मतलब है अनीशा? मगर यहाँ तो कोई नहीं है।
कुबड़ा मुझे कब से सुना था वो कुबड़ा मुझसे तो मेरा कब से पीछा कर रहा है और वो कह रहा था कि बारिश भाई ने उसको मेरे साथ खेलने के लिए भेजा है। शाला खाला जब मेरे पास अंगूठी होती थी जब कोई मुझे तंग नहीं करता था और जब मेरे पास अंगूठी गई तब सब मुझे तंग करते हैं। या अल्लाह प्लीज हेल्प अस प्लीज। तो अकल ने काम करना छोड़ दिया। जब शैला ने उस गुड्डे को उठा के शोकेस में रख दिया था तो वो खुद से बाहर कैसे आ गया? मुझे तो लगता है कि इस घर में कोई पहले से मौजूद रहता है। मुझे तो ये कोई आंख खोजल शैतानी मखलूक लगती है जो मैं नजर नहीं आती। मन्नत भी उस दिन शोर मचा रही थी, कह रही थी कोई जबरदस्ती उसका छल्ला उतार रहा है। ये वही है जो इस घर में पहले से आता जाता है। हम ऐसा करते हैं नुमान के मलिक साहब के आते ही ना ये घर फेर कर देते हैं। मुझे तो यूं लगता है कि वो सिर्फ मन्नत को दिखाई देते। मुझे भी यही लगता है। इसके लिए हमें खुद कुछ करना होगा। इसने कुछ ऐसा कर दिया है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। वैसे नुमान इस तरह की मखलूक से ना हमें दूर रहना चाहिए। तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं? कुछ ना करें तो हम कर क्या सकते हैं? नुमान थैंक यू। आज आप सारा दिन घर से बाहर रहे? माजी को कुरेदने में जख्म ताजा हो गए। बीते दिनों की उलझनों को अब मैंने खुद ही सुलझाना है। माजी जख्म उलझने ये कौन से दिनों की बातें कर रहे हैं आप? बेफिक्र हो जाओ, इन सारी बातों में तुम कहीं नहीं हो। क्या मतलब? अरे छोड़ो इन उलझनों को, तुम ये बताओ मन्नत कहाँ है? वो फायजा के साथ सो रही है। कौन फायजा? अलीशा की कजन जो इस्लामाबाद से आई है। क्या बताऊं नवान भाई, जब से मन्नत का छल्ला गुम हुआ है वो इन शैतानी ताकतों से डरने लगी है जो कभी उनके दोस्त हुआ करते थे। तो इसका मतलब है कि अंगूठी अब तक मिली नहीं उसकी? कहां जा सकती है, घर में ही होगी। नुमान भी हमने पूरा घर छान मारा लेकिन अंगूठी हमें कहीं पे भी नहीं मिली। देखो अंगूठी की ताकत ने ही मन्नत को हिफाजत में रखा हुआ था। आप कोकनी भाई के पास गए? हाँ मैं गया था शाम को, वो शायद कहीं गई हुई थी, दरवाजे पे ताला था। हाँ मगर किसी भी हाल में उससे रابطہ करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि वो मन्नत को कोई नुकसान पहुँचाए। ठीक है मैं सुबह देखता हूँ। ठीक है नुमान भाई, मैंने सुना है कि अलीशा की वालदा की तबीयत खराब है। अच्छा तो फिर उसे जाना चाहिए। तो फिर आप उसे ड्रॉप कर दीजिएगा। हाँ मैं सुबह ड्रॉप कर दूंगा उसे। गुड नाइट। Thank you.
कोई दूसरी औलाद है? सोच लो। रात की तन्हाई में बैठकर गौर से सोचना, मैं इस बारे में बाद में पूछूंगी। तेरा बदनसीबी मेरे आड़े आ रही है। मैं जो काम समनपुर करने गई थी वही का वही है। वालेस, वालेस। बस अभी तेरे अंदर उतना ताकत नहीं है, तू ये काम नहीं कर सकता। वालेस, वालेस। बिल्कुल होगा, वक्त कहानी दोहराएगा। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पर अब मैं किसके साथ खेलूंगी? वालिस। क्या हुआ मन्नत? खाला, वालिस भाई, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मन्नत, आप गौर से देखे, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं।
तू गुलमालू को हवेली लेकर गया था ना? हाँ। क्या किया था तूने उस ना समझ लड़की के साथ? गुनाह किया था ना? गुनाह।